किया गया था। उस टेक्नोलॉजी का नाम है कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी। ये एक बड़ी वाली कैप्सूल है और उसके अंदर आपको एक छोटी वाली कैप्सूल मिलेगी। तो बाहर एक कैप्सूल और अंदर एक छोटी वाली कैप्सूल। तो बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर हमने यहाँ पे परमानेंट के लिए दे दी है, राइट। तो अभी ये कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी क्यों है, इसका फायदा क्या है और ये आपके शरीर के ऊपर कैसे काम करेगी। तो बाहर वाली एक कैप्सूल और एक अंदर वाली कैप्सूल। तो ये जो बाहर वाली कैप्सूल है इसके अंदर आपको मिलेंगे विटामिंस, मिनरल्स एंड प्रीबायोटिक। ये जो बाहर वाली कैप्सूल है इसके अंदर आपको मिलेंगे विटामिंस, मिनरल्स एंड प्रीबायोटिक। और अंदर वाली जो छोटी वाली कैप्सूल है इसके अंदर आपको मिलेंगे प्रोबायोटिक। तो हमारा जो कॉम्बायोटिक्स है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बायोटिक्स, फर्स्ट इज प्रोबायोटिक और सेकेंड इज प्रीबायोटिक। अभी मैम ये प्रीबायोटिक क्या है, अभी ये प्रोबायोटिक क्या है, तो इट्स वेरी इजी। प्रीबायोटिक क्या होता है, तो खाना होता है, जैसे हमारे खाने को हमने नाम क्या दिया है, दाल चावल सब्जी रोटी, वैसे ही हमारे जो कीटाणु होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनके खाने को क्या बोला जाता है, प्रीबायोटिक। अभी ये कीटाणु को जो है साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है गुड बैक्टीरिया, अच्छे वाले कीटाणु। तो अच्छे वाले कीटाणु को हम क्या बोलेंगे, प्रोबायोटिक और उन प्रीबायोटिक। तो हमारा जो कॉम्बायोटिक्स है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। तो ये दोनों का जो है वो मिक्सचर है, जिस वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, आपके पाचन संस्था के ऊपर बहुत अच्छे से काम करने के लिए ये आपकी मदद करेंगे। तो बेसिकली आप स्क्रीन के ऊपर भी अभी यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये जो पिक्चर है ये हमारे इंटेस्टाइन का है। तो प्रोबायोटिक की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ पे होती है, तो वो हमारे आंतड़ियों में होती है, हमारे इंटेस्टाइन में होती है। और इसीलिए आपकी कॉम्बायोटिक्स इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए, आपके पाचन संस्था को हेल्दी रखने के लिए आपकी मदद करेंगी। आपके पूरे शरीर में, अगर मैं सर से लेके पांव तक बात करूं, तो आपको पूरे शरीर में आपको बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको गुड बैक्टीरियाज मिलेंगे। तो उसी गुड बैक्टीरिया को हेल्दी बनाने के लिए, उसी गुड बैक्टीरियाज को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन मदद करेगा, जिस सप्लीमेंट का नाम है कॉम्बायोटिक्स। अभी मैम कॉम्बायोटिक्स और हम कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, बेसिकली आपके बॉडी की अगर पाचन संस्था जो है वो कमजोर हो गई, अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कमजोर हो गई, तो धीरे 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 जो है आपके पाचन संस्था को मजबूत करने के लिए यहाँ पे कॉम्बायोटिक्स आपकी मदद करेगा। अभी मैं एक बात आपको अच्छे से बताना चाहूंगी कि आपका जो वेट मैनेजमेंट है, आपके बॉडी का जो वजन है, उसको अगर आपको बैलेंस रखना है तो उसके लिए आपकी पाचन संस्था स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप वेट मैनेजमेंट के लिए पूरी वेस्लिम की रेंज देते हो, तो वेस्लिम के रेंज के साथ आप यहाँ पे जो है कॉम्बैटिक्स को रखना शुरू कीजिए, ताकि आपके बॉडी के अंदर का वेट जो है वो अच्छे से बैलेंस रहे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आजकल डकार से बहुत परेशान है, कि मैम थोड़ा खाना खाते हैं तो एकदम से डकार आने लगती है और बहुत ज्यादा आने लगती है, फिर खट्टी डकारों की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपके डकारों को भी कम करने के लिए यहाँ पे आपको कॉम्बायोटिक्स मदद करेगा। प्लस इसके अंदर विटामिंस है, मिनरल्स है, तो ये आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को भी मजबूत करने के लिए मदद करता है। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। आपको कॉम्बायोटिक्स के अंदर विटामिन डी की भी मात्रा मिलती है, विटामिन सी मिलता है, विटामिन बी12 मिलता है, जो बहुत जरूरी है। नॉर्मली कॉम्बायोटिक्स को लोग सिर्फ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक के लिए देखते हैं, पर इसके अंदर जो है विटामिंस एंड मिनरल्स भी है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो आज आपको सिर्फ एक काम करना है, जिनके भी घर पे कॉम्बायोटिक्स का डब्बा होगा उनको बस पीछे की लेबलिंग साइज देखनी है कि मैम ने जो बताया है कि इसके अंदर विटामिंस एंड मिनरल्स भी है, तो ये आपको जरूर चेक करना है कि इसके अंदर कौन से विटामिंस है और कौन से मिनरल्स है, ताकि आप जब भी लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, प्लस इवन जब आप खुद भी लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो चीज खा रहे हैं इसके अंदर क्या क्या चीज हमने डाली गई है, ये हम क्या क्या चीजें हमारे शरीर के अंदर एब्सॉर्ब हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल
आपने एक नई कंसेप्ट सुनी होगी गट फ्लोरा की। गट फ्लोरा की एक कंसेप्ट है, मे भी बहुत कम लोगों को ये पता है, इसके ऊपर हमने सेशंस भी किए हैं। तो गट फ्लोरा मतलब क्या है? तो आपके गट सिस्टम में जो फ्लोरा होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी इम्यूनिटी को ये मजबूत रखते हैं, आपके ब्रेन की क्षमता को ये मजबूत रखते हैं, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोगों को भी कम करने के लिए यहाँ पे गट फ्लोरा आपकी मदद करते हैं। तो आपके इंटेस्टिनल एंजाइम्स जो होते हैं, गट फ्लोरा जो होते हैं, इसको भी मजबूत करने के लिए, इसको भी बैलेंस करने के लिए कॉम्बायोटिक्स यहाँ पे आपकी मदद करता है। तो डोंट ट्रीट इट लाइक ओनली मैम एसिडिटी में देना है, ओनली डकारों के प्रॉब्लम में देना है। तो जिनको भी कैंसर है, जिनको भी बड़ी बड़ी इन्फेक्शन होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, तो आप सारे कंडीशन में आप यहाँ पे कॉम्बायोटिक्स को सजेस्ट कर सकते हो। अब ये जो कॉम्बायोटिक्स है आपको 12 साल के बाद शुरू करना है, कॉम्बायोटिक्स जो है आपको 12 साल के बाद शुरू करना है। सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल, खाना खाने के बाद या खाने के साथ, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप उसको ले सकते हो। 12 साल के बाद सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल, खाना खाने के साथ और खाना खाने के बाद, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे ले सकते हो। बच्चों को अभी से देना शुरू कीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे भी एसिडिटी से सफर करते हैं, और इतने कम उम्र में अगर उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये एसिडिटी बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आपके शरीर के अंदर ले आती है। इसलिए एसिडिटी को मेंटेन करना, आपके बॉडी पीएच को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए जो है आपको कॉम्बैटिक्स हेल्प करता है, आपको कॉम्बैटिक्स मदद करता है। तो प्लीज ये सप्लीमेंट को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, आज ही से इसको लेना शुरू कीजिए, आपके फैमिली मेंबर्स को भी देना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छे फायदे इसके मिलेंगे। नॉर्मली मैं मेरी केस बताती हूँ कि जैसे हम बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाना पड़ता था जब हम हमारे फील्ड के ऊपर जाके ट्रेनिंग करते थे। इवन ये एक्सपीरियंस आप भी लोग शेयर एक्सपीरियंस करते होंगे कि मैम हम जब होम मीटिंग के लिए जाते हैं, हम फील्ड वर्क के लिए जब निकलते थे तो खाने का कोई टाइमिंग नहीं होता था, जिसकी वजह से एसिडिटी बहुत ज्यादा होती थी, खाना खाने का मन नहीं करता था, मुंह खट्टा हो जाता था, क्योंकि खाने के कोई टाइमिंग्स नहीं है। तो उसकी वजह से फिर धीरे धीरे बॉडी कमजोर होती चली गई, धीरे धीरे हमारे पेट में पेट जो है फूलना शुरू हो गया, हमारा वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो ये सारे कंडीशन को अगर आपको मैनेज करना है तो एक जो सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो है कॉम्बायोटिक्स। क्योंकि जितना ख्याल हम हमारे दूसरे लोगों का रखते हैं उससे कहीं ज्यादा ख्याल हमें खुद का भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हमें देखते हैं और फिर हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आपको पहले हेल्दी होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए कॉम्बायोटिक्स आपको एवरी टाइम हेल्प करेगी। तो आप थायराइड में दे सकते हो, आप डायबिटीज में दे सकते हो, आप हार्ट पेशेंट में दे सकते हो, आप हाई ब्लड प्रेशर में दे सकते हो, सारे कंडीशन में दे सकते हो। बट बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे विटामिंस और मिनरल्स है, और इसी के कारण हम इसको किडनी के पेशेंट में नहीं दे सकते, जो सेम कॉन्ट्राइंडिकेशन था हमारे सी वर्कॉन के लिए, तो यहाँ पे भी वही है कि किडनी पेशेंट को आप ये नहीं दे सकते। बाकी सारी कंडीशन में, इवन कैंसर है, टीबी है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मैम जोड़ों में बहुत दर्द होता है, आप हर एक कंडीशन में इसको दे सकते हो। जिनको भी स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, मैम मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा होता है, हेडेक बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए भी आप कॉम्बायोटिक्स रेकमेंड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट आज आप इसको लेना शुरू कीजिए, आपको इसके रिजल्ट जो है विद इन 2 to 3 months इसको मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो इसको ले लीजिए और इसका रिजल्ट जो है आप फील कीजिए, और फिर हमें इसका फीडबैक देना कभी भी मत भूलिए।